नमस्कार दोस्तों, आज मैं बीन्स आलू का मसाला फ्राई बनाने जा रही हूं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहां पर मैं 250 ग्राम बीन्स ले लिए हैं और इसको अब हम क्या करेंगे ना, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। और यहीं पर मैं दो आलू भी काट ली हूँ क्योंकि आलू और बीन्स का कम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। और यहाँ पे मैं तेल डाल दी हूँ, तेल को भूने देंगे अच्छे से गरम क्योंकि ये सरसों तेल है। तो यहीं पर दोस्तों मैं सरसों डाल दूँगी और अच्छे से चटकने दूँगी। और यहीं पर मैं जीरा का भी तड़का लगाऊँगी और दोनों अच्छे से चटक जाएगा ना, तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे ना लहसुन काट के रखी हूँ, इसको भी मैं डाल दूँगी। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है लहसुन वाला, आप कभी ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसको अच्छे से ना सुनहरा कलर होने देते हैं। और यहीं पर मैं डाल देती हूँ आलू। आलू को सबसे पहले मैं फ्राई कर लूँगी क्योंकि आलू थोड़ा पकने में टाइम लगता है और बीन्स बहुत ही जल्दी पक जाता है। तो बीन्स को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि बीन्स का जो भी विटामिन है अगर हम ज़्यादा पका देंगे तो फिर ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हमें कोई फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले मैं आलू को थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, कम से कम 50%, और 50% बीन्स के साथ ये पक जाएगा। तो यहाँ मैं ढक ढक के बना रही हूँ। और जो ये लहसुन का जो फ्लेवर गया है ना और इसका जो खुशबू दे रहा है ना दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त दे रहा है। तो यहाँ पर मेरा आलू जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, एक बार और ढक लेती हूँ उसको। तो ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा है आलू में क्रिस्पी आ गया है। और बस इसको हम क्या करेंगे कि चला लेंगे अच्छे से। और यहीं पर मैं डाल दूंगी बीन्स ताकि बीन्स के साथ भी आलू पक जाएगा। सारे बीन्स को मैं डाल देती हूँ और इसको अच्छे से चला करके मैं कम से कम ढक दूंगी 2 मिनट के लिए ताकि अच्छे से थोड़ा सा बिना नमक के साथ ये फ्राई हो जाए। तो ये 2 मिनट हो गया है और काफ़ी अच्छा ये फ्राई भी हो गया है। तो हम यहीं पर डाल देंगे दोस्तों स्वाद के अनुसार से नमक। इसलिए नमक डालेंगे दोस्तों कि बीन्स के अंदर अंदर तक नमक चला जाएगा तो बीन्स में काफ़ी अच्छा स्वाद आएगा। तो नमक के साथ भी इसको हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ज़्यादा देर के लिए फ्राई नहीं करेंगे। हमें याद रखना है कि बीन्स को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, मतलब 80% तक ही पकाना है। तो इसको भी अब हम चला लेते हैं, काफ़ी अच्छा फ्राई हो गया है। तो यहाँ पर मैं आलू बीन्स मसाला फ्राई बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं मिर्चा पाउडर डाल देती हूँ और यहीं पर हल्दी पाउडर भी डाल देती हूँ और यहीं पर धनिया पाउडर भी डाल देती हूँ दोस्तों। और मैं हींग डालना भूल गई हूँ तड़के में, तो मैं मसाला में ही हींग डाल देती हूँ। और इसको हम चला करके 2 मिनट के लिए ढक ढक कर इसको हम पकाएँगे। तो ये 2 मिनट हो गया है दोस्तों। और चूँकि मसाला जो है ना सूखा है ना, पानी नहीं है, तो ये मसाला भी जल्दी पक जाएगा और आलू तो पका हुआ है ही और बीन्स पकने में टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ आमचूर, या आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो इसको भी हम डाल करके 1 मिनट के लिए ही पकाएँगे। इस सब्ज़ी के पूरे प्रोसेस में ना दोस्तों, पकाने पर ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें कितना पकाना है और कितना नहीं पकाना है। तो ये काफ़ी अच्छा से सारे मसाला पक गए हैं, बन गए हैं। और यहीं पर मैं थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देती हूँ और इसको भी, गरम मसाला को भी मैं डाल करके 1 से 1.5 मिनट के लिए ढक कर इसको मैं पकाऊंगी ताकि वो चाट मसाला, गरम मसाला सब एक दूसरे में सेट हो जाए। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है ना, कितना ज़बरदस्त ये आलू बीन्स मसाला फ्राई बन के रेडी हो गया है। आप इसको टिफ़िन में ले जाइए, सफ़र में ले जाइए, दाल चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, या कोई भी दो सब्जी बनाना है ना तो एक सब्जी ऐसा बना लीजिए और एक सब्जी कोई और बना लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त कम्बिनेशन है और काफ़ी हेल्दी भी है, और हेल्दी तरीक़ा से हमने बनाए भी हैं और चटपटा भी बनाए हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये बीन्स आलू का मसाला फ्राई का रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है दोस्तों, हमारी वीडियो को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना। तो हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मैं आपसे मिलती हूँ एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।